For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर साकिब ज़ीशान चुगताई है। मैं इस वक्त लेटरकैनी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आयरलैंड में एज कंसल्टेंट कोलोरेक्टल सर्जन काम कर रहा हूँ। मैंने MBBS नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान से पास किया। 1999 में मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से FCPS का इम्तहान जनरल सर्जरी में पास किया। इसके बाद मैं हायर ट्रेनिंग के लिए आयरलैंड चला गया, जहाँ पे सन 2003 में मैंने FRCS का इम्तिहान पास किया। इसके बाद मैंने आयरिश रेजिडेंसी स्कीम के अंदर मुझे एडमिशन मिला। उसमें मैंने 5 साल की हायर सर्जिकल ट्रेनिंग की। सन 2011 में मैंने इंटर कॉलेजिएट FRCS पास किया, जो हायर सर्जिकल ट्रेनिंग के बाद होता है। पाकिस्तान में कोलोरेक्टल कैंसर की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमारा यहाँ पे आने का बेसिक मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम में कोलोरेक्टल कैंसर की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। मैं अब आपको कोलोरेक्टल कैंसर के मुतालिक बताऊंगा। कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल का मतलब है, कोलो का मतलब है कोलन, जो बड़ी आंत को डिनोट करता है, और रेक्टम जो पखाने का रास्ता है उसको डिनोट करता है। तो कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो बड़ी आंत को इन्वॉल्व करता है। मैं आपको बड़ी और छोटी आंत के मुतालिक भी बताता चलूँ। यहाँ पर बड़ी आंत जो है वो तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग होती है, जो अपेंडिक्स से शुरू हो के पखाने के रास्ते तक आती है। इसके अंदर ना सिर्फ कैंसर इन्वॉल्व हो सकता है, बल्कि बड़ी और छोटी आंत की सोजिश भी हो सकती है, जिसका मुफीद इलाज मुयस्सर है। अब मैं आपको कोलोरेक्टल कैंसर के कॉजेज़ के मुतालिक बताता चलूं। कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर रन करता है, तो इसकी ज़्यादातर कॉज जो है वो हेरिडिटी होती है, जो कि जीन्स के अंदर ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कॉजेज भी हैं, लेकिन जिन मरीज़ों में ये कैंसर, जिनकी फैमिलीज़ में 40 साल से कम उम्र के लोगों में है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंदर जाएं, ताकि अगर उनमें कैंसर है तो वो अर्ली डिटेक्ट हो सके। इसके अलावा बाकी कॉजेज के अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और अनहेल्दी डाइट भी शामिल है। अनहेल्दी डाइट के अंदर फैटी फूड्स जिस तरह चीज़, मक्खन वगैरह शामिल हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर रेडिएशन एक्सपोजर और प्रोसेस्ड डाइट्स जो हैं वो भी कैंसर, कोलन कैंसर काज कर सकती हैं। अब मैं आपको कोलोरेक्टल कैंसर की अलामत के मुतालिक बताता चलूं। उसकी सबसे मेजर अलामत जो है वो पखाने में खून का आना है, स्पेशली अगर खून जो है पखाने में मिक्स हुआ है, या डार्क ब्लड या क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये अलामत हो सकती है कोलोरेक्टल कैंसर की। दूसरी अलामत में पेट का दर्द और वेट लॉस भी शामिल हैं। वेट लॉस स्पेशली अगर मरीज़ ख़ुद इंटेंशनली वेट लॉस करने की कोशिश नहीं कर रहा और फिर उसके बावजूद वेट लॉस है, तो ये भी अलामत हो सकती है कोलोरेक्टल कैंसर की। इसके अलावा खून की कमी भी कोलोरेक्टल कैंसर की अलामत हो सकती है, अगर उसका और कोई कॉज मालूम नहीं है तो। इसमें होता ऐसे है कि मरीज़ कोलन कैंसर के थ्रू खून लूज़ करता रहता है, जो कि पखाने में नज़र नहीं आता, और इसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। कोलन कैंसर जो है वो बाकी कैंसर्स की तरह 4 स्टेजेस में होता है। इनिशियल जो 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2, वो फुली क्योरेबल हैं। आजकल जदीद तरीका इलाज से स्टेज 3 जो है उसका भी क्योर मुमकिन है। स्टेज 4 कैंसर्स जो हैं, क्योंकि वो स्प्रेड कर गए होते हैं, जदीद तरीका इलाज और कीमोथेरेपी के ज़रिए उनसे, उनका भी इलाज मुमकिन है, और उससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर की जा सकती है।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैंसर को जितना अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए उसका उतना बेहतर इलाज मैसर है। यूके और आयरलैंड के अंदर कैंसर स्क्रीनिंग जो है उसको राइज कर दिया गया है और तमाम पॉपुलेशन जो 50 ईयर्स से ओल्ड है उनको एक किट भेजी जाती है जिसे FIT टेस्ट कहते हैं। उसके ज़रिए मालूम किया जाता है कि पखाने में कोई खून तो नहीं आ रहा जो नज़र नहीं आता। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव हो तो उसके बाद पेशेंट को कॉलोनोस्कोपी के लिए भेजा जाता है। इसके बाद मरीज़ को कॉलोनोस्कोपी के लिए भेजा जाता है। कॉलोनोस्कोपी जो है वो कैमरे के ज़रिए बड़ी आंत के मुआयने को कहते हैं। उसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि बड़ी आंत के अंदर कोई पॉलिप या कैंसर तो नहीं है। पॉलिप जो है वो कैंसर की इनिशियल स्टेज है जो कि कैंसर तो नहीं होता लेकिन अगर उसे वैसे छोड़ दिया जाए तो कुछ अरसे बाद वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। इन सब पॉलिप्स को अगर वो छोटे हों तो उनको कैमरे के ज़रिए ही निकाला जा सकता है और उसके बाद सिर्फ फॉलो अप की ज़रूरत होती है। कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट प्लान की जाती है। ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए कैंसर की स्टेज का मालूम करना ज़रूरी है। कोलन कैंसर की स्टेज मालूम करने के लिए डिफरेंट ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं और CT स्कैन करवाया जाता है जिससे पता चलता है कि वो किस जिस्म के किसी और हिस्से में फैल तो नहीं गया। रेक्टल कैंसर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है जिस क्योंकि ये पेल्विस के अंदर होता है तो स्पेस जो है वो काफ़ी नैरो। स्टेज वन और स्टेज टू कोलोरेक्टल कैंसर जो है उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए ट्रीट किया जाता है जबकि स्टेज थ्री और स्टेज फोर कोलोरेक्टल कैंसर को ना सिर्फ सर्जरी बल्कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। मैं आपको कुछ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के मुतालिक बता दूं जो कि यहाँ पाकिस्तान में शुरू तो हो चुकी है लेकिन उसका स्टैंडर्ड अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। हम वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहाँ पर मुतारिफ़ कराना चाह रहे हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो इसे की होल सर्जरी भी कहते हैं वो कैमरे के साथ की जाती है। उसमें बहुत छोटे इंसीजंस के साथ कैमरा और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो पेट के अंदर दाखिल किए जाते हैं और फिर कैंसर को सर्जरी के ज़रिए निकाला जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मरीज़ को पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होता है, मरीज़ की रिकवरी बहुत क्विक होती है। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार कोलन पॉलिप्स या कैंसर या बड़ी आंत की सोजिश में मुब्तला है और वो मुझसे मशवरा करना चाहता है तो वो मरहम के थ्रू मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकता है।